ये जब से नीचे गई है ना खाली मच्छी मच्छी कर रही है। चलो 1 2 3 ए। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना वैसे सब मूड ऑफ हो रहा है। चल, 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 चल। कैसा लगा? अच्छा था। मैं पागल हूँ जो इतने ऊंचाई पे आया, अभी घबराहट हो रही है। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों के एक और नए वीडियो में। आज का व्लॉग सुफियानो को डेडिकेट करेंगे हम। आज है संडे और आज भी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। जो जगह है वो है नेशनल पार्क, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह सारे चीज होंगे। वहाँ पे मेन हम लोग जा रहे हैं टाइगर देखने के लिए। आई होप कि वहाँ पे टाइगर हमें दिख जाए। एक घंटे की जर्नी है, हम जा रहे हैं बाइक से। अभी वक्त हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, नाश्ता हो गया, रेडी हो चुके हैं, सिर्फ हमें यहाँ से निकलना है। चलिए फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुनाफा रेडी, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बैकपैक लिया है जिसके अंदर सुफियाने का एक ड्रेस है, ये मेरा कैमरा बैग, यहाँ पे सूफी। कैसी चल रही सूफी पढ़ाई? बहुत अच्छी। वेरी गुड। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नेशनल पार्क के गेट पे। पहले अंदर जाने देते थे, अभी पता नहीं, पूछ के आता हूँ। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नेशनल पार्क और यहाँ पे एक नया रूल चालू हुआ है कि आप बाइक कार अंदर नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे पीछे पार्क करने का ऑप्शन है, तो यहीं पे हम लोग पार्क किए हैं। ये भी पे पार्किंग है, तो बाइक के लिए 55 और 220 शायद कार के लिए है। तो अभी चलते हैं। तो वेल ये है हमारा पार्किंग का टिकट और ये है एंट्री टिकट, तो दोनों संभाल के रखना। वेल अभी आ चुके हैं फाइनली अंदर। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद एक चेकिंग होता है, वहाँ पे अपनी टिकट चेक करा के एंट्री करना है। उसके बाद आप फाइनली नेशनल पार्क के अंदर आ चुके हैं। हम लोग आगे जा रहे हैं गार्डन की तरफ। जो हमारा बाइक और कार है वो तो बैन कर दिया है, यहाँ पे अंदर अलाउ नहीं है। यहाँ के जो लोकल है उन्हीं की गाड़ियाँ अंदर आ सकती है। कैसा लग रहा है अंदर आके नेचर में? गर्मी लग रहा है पहले तो, आगे देखते हैं। झूला पे जाना है। यहाँ से एंट्री की है, वॉक करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हैं हम लोग। अभी यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह है, मिनी ट्रेन है, उससे थोड़ा और आगे जाएंगे लाइन सफारी के लिए यहाँ पे। फिर इसके बाद में केव्स के लिए, कहाँ पे? ये शायद केव्स के लिए। तो ये मिनी मैप से भी आप घूम सकते हैं। चलो चलते हैं। आप क्या कहेंगे, चटपटा? वेल अभी हम लोग चना वगैरह खरीद के अभी एक गार्डन में आए हैं। यहाँ पे छोटा सा गार्डन है एंट्री के बाद। यहाँ पे पीछे झूला है, फिर उसके बाद में वो राउंड राउंड, फिर उसके बाद में वो पीछे फिसल गुंडी। तो भी वो कौन सा डमी है? कौन सा? अच्छा बताओ ये कैरेक्टर कौन सा है? ये कौन है? मोगली और उसका दोस्त। तो ये कौन है बताओ? मुझे पता नहीं। अच्छा वो क्या कर रहा है ऐसा करके दिखाओ मुझे। चलो 1 2 3 ए। ये है मिक्की। वाओ सुपी को सब पता है। वेल थोड़े दूर आने के बाद ये हम लोग को रिवर मिलता है। लायन सफारी के लिए ये फ्लाईओवर क्रॉस करना पड़ता है और ये इतने क्वांटिटी में दिया है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये रही सफारी वाली बस, दो अडल्ट। ये मिल गई है टाइगर सफारी का टिकट, एक टिकट 103 और 5 साल से 12 साल के बच्चे लोग के लिए 41 रुपीस यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस। टाइगर ठीक है, तो लायन वाला लाइन बंद कर दिए हैं काम की वजह से, इसलिए हम लोग टाइगर देखने जा रहे हैं। विदाउट सफारी ये व्लॉग कंप्लीट नहीं होगा। मिनी ट्रेन जो है वो भी बंद है, अदर एनिमल्स जो है वो भी चेक करेंगे कहाँ पे देखने मिलेगा। आने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना वैसे सब मूड ऑफ हो रहा है कि ये बंद है, वो बंद है, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो सारी चीज हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, बाइक अंदर तक आती थी, आपको जहाँ जाना है जा सकते थे। इंडियन मॉम जुगाड़। सुबह हवा लग रही, मुझे भी कर दो थोड़ा। हाँ हाँ बढ़िया, बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होगी।
हम लोग जब आए थे 5 से 6 लोग थे और जैसे ही 5 से 10 मिनट हुआ टिकट लेने के बाद ये पूरा बस भर गया। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले डियर दिखे, हम लोग ने पूरा झुंड था वहाँ पे, तो ड्राइवर से मैंने पूछा टाइगर किस साइड दिखेगा, बोले दोनों साइड दिखेगा, देखते हैं किस साइड दिखता है। 5 मिनट हुआ है बस स्टार्ट हो गया, कैसा लग रहा है टाइगर देख के? अच्छा लग रहा है लेकिन हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सोफी आप देखे? वाओ फाइनली उड़ गया। और कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, उड़ते हुए। चल 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 चल, ये लैंडिंग करेगी फाइनली। वो देख पैसा वसूल। आई डिड इट टू यू मदर। तो ये लास्ट वाला जो टाइगर था ना, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन किया, यहाँ तक कि उसने ना बहुत सुसु भी कर दिया सबके सामने, सबके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और सूफी आपको डर लगा? नहीं लगा। तो वेल अभी देखते हैं, अभी वापस जा रहे हैं हम, अभी सफारी के बाद अभी क्या होगा वो हमें भी नहीं पता, तो वेट एंड वॉच। अब लोग बढ़ रहे हैं इसलिए ये वाला बस भी चालू हो गया। बस में जो हमारे को हवा लगी है ना, बता नहीं सकता कितना सुकून दे रहा था। वेल यहाँ पे नोटिस है, वहाँ से भी आ सकते हैं। अभी रिवर के बाजू में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे मुनाफा गई है रिवर पे अपना पैर डुबाने। अगर गिर गई तो ये गीला गीला घर पे जाना पड़ेगा। अंदर ना वो प्रॉन्स घूम रहे। तू मच्छी पकड़ने गई वहाँ पे? सुबह मामा मच्छी पकड़ने गए। और ये रिवर के वजह से ना क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। ये जब से नीचे गई है ना खाले मच्छी मच्छी कर रही है, मेरे को लगता है नेशनल पार्क से कुछ ले जाए या ना ले जाए मच्छी जरूर लेके जाएंगे। क्या समझा? कुदकुदी कर रहे हैं, बहुत कुदकुदी कर रहे हैं। हाँ दिखा, पैर दिखा, उठा के दिखा। मैं नहीं दिखा सकती, कुदकुदी कर रहा था कसम। मिला, मैं देख लूँगा। रुक 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 रुक। हाँ एक मिला, दो मिला, दिखा 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 दिखा। लींबू पानी पीने के बाद सुकून मिल रहा है, थकान ऐसे लग रही है कि दूर हो गई। अच्छा रेडबुल वाला पावर आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। वेल अभी रिवर से आते आते अभी हम लोग पहुंचे ये फ्लाईओवर के बाद। पीछे देखो मंकी, हम लोग यहाँ पे फोटो शूट करने वाले थे बट अभी कैंसिल कर दिया है। अभी मेरे पीछे ऐसा मंकी पड़ा था तब से मुझे मंकी से डर लग गया। तो अभी ये फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे और उसके बाद में देखते हैं आगे क्या है। वो क्या है रे पत्थर के ऊपर? हम लोग इधर जल कौड़ी गए, मतलब वो पानी में डुबकी लगाते रहते हैं, हम लोग बोलते हैं जल कौड़ी। हाँ मच्छी खाते हैं। कैसा आया फोटो? वेल थोड़ा आगे आने के बाद ये रिवर जहाँ खत्म होता है यहाँ पे डैम बनाया है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को मिला है रास्ता मिनी ट्रेन जाने का, ये स्टेशन है
ये टिकट काउंटर है, टिकट है यहाँ पे 61 और चिल्ड्रन के लिए 23। तो अभी बस स्टॉप पे खड़े हैं केस जाने के लिए, एक स्टॉप आगे खड़े हम लोग, तो यहाँ पे फुल होके आ रही है बस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे जहाँ से स्टार्ट होता है बस। तो ये पहला स्टॉप है और यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। जब सुबह आए थे तो कोई लाइन नहीं थी, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस हिसाब से लाइन है, अगर हमें सीट चाहिए ना, कम से कम 3 बस जाने के बाद ही हमारे को सीट मिलेगा। अभी भी हम लोग बस के लाइन में ही है और लगभग 3 बस निकल चुकी है, चौथे बस में हमारा नंबर लगने वाला है। हम लोग चाहते थे तो खड़े होके भी जा सकते थे, बट इतने थक गए हैं कि बैठ के जाना है सही समझे हम लोग ने। मैं ऐसा बैठा हूँ, सूफी मेरे पैर पे बैठी है, ऐसे जुगाड़ से हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे मुनाफा लाइन लगाई है। ये बस हमें लेके जाएगा केव्स तक। आ जाओ आ जाओ, 13 रुपये में एसी के मजे। सुकून सी फीलिंग आ रही है क्योंकि ये बस है एसी वाला, बाहर इतनी गर्मी हो रही है। आगे की जर्नी केव्स के लिए, उससे पहले हम लोग उतरने के बाद लंच करेंगे। थोड़े ही ऊपर पहुंचे हैं, यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, यहाँ से भी टिकट लेना पड़ता है। तो ये रही हमारी केव्स जाने की टिकट और ये है पर पर्सन 25 रुपीस। तो ये जो टिकट दिख रहा है ये हमारी कितनी चौथी टिकट है। सबसे पहले हम लोगों ने टिकट निकाला बाइक पार्किंग का, फिर उसके बाद में एंट्री का टाइगर सफारी के लिए, और यहाँ पे एक बस का भी टिकट निकाला। खैर बस को इग्नोर करो, वो 13 रुपए का पर पर्सन टिकट था, बट बहुत मजा आया, एसी वाला था। अब यहाँ पे हमने 25 रुपीस दिए, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग ने काफी कुछ खर्चा किया, लास्ट में आपको रिवील करेंगे। बात रही खाने की, तो खाने का अभी अंदर जाके ही मालूम पड़ेगा। सूफी को प्रॉब्लम है मंकी से। अभी हम लोग केव्स के एंट्री गेट के अंदर आ चुके हैं। लेफ्ट साइड में गार्डन है, राइट साइड में एक मिनी मैप है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और करंटली हम लोग है यहाँ पे, और ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ये सारे केव्स है। वेल केव्स जाने का रास्ता वहाँ पे है, कैफेटेरिया यहाँ पे इसके नीचे है बट वो बंद है। तो अभी ये टॉयलेट है और यहाँ से ये व्यू पॉइंट है और यहाँ से ये नज़ारा दिखता है। कानेरी केव्स का है ना सबसे बड़ा केव्स है, अंदर जा सकते हैं हम लोग। शायद वीडियो लेना अलाउ नहीं है, फोटो ले सकते हैं, तो देखते हैं अंदर जाके। अभी आ गए हम लोग आसमान की ऊंचाइयों पे, कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। मैं पागल हूँ जो इतने ऊंचाई पे आया, अभी घबराहट हो रही है। अभी हम लोग यहाँ से आए और ये एक छोटा सा रिवर क्रॉसिंग है, फ्लाईओवर, पूरा वाटरफॉल हो रहा है। बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गए, एक तो गर्मी, ऊपर से चढ़ना पड़ रहा है और गर्मी भी है, इसके लिए डबल हालत डाउन हो रही है। सूफी का हालत देखो, सर पे हाथ रख के बैठी है।
कैसा लगा अभी तक सूफी को? बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा है। तो मेरे हिसाब से देखो सब कुछ सही है, बट यहाँ पे ना लंच का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सो अभी मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे अगर कैंटीन होता ना तो मच बेटर, सब लोग यहाँ पे आराम से लंच करते। घर से अगर कुछ बना के लाएंगे परमिशन वगैरह लगता है, इतना कुछ पता नहीं था हम लोग को। वही है कि खाली पेट घूम रहे हैं तो ज्यादा घूमने का मजा भी नहीं आ रहा है। तो अगर कुछ खा लेते मजा आता, पेट भरा रहता तो अच्छा लगता। भूख के वजह से और ऊपर जाया नहीं जा रहा है। ये जो पीछे दिख रहा है यहाँ और ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर जाने की हालत नहीं है, बाहर जाके खाना पड़ेगा। और उसके लिए भी बाहर जाने के लिए भी हमारे को लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे वापस जाने के लिए। तो अभी यहाँ वेट करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। और जो पानी था पानी भी खत्म हो गया, ऊपर पानी का भी अरेंजमेंट नहीं है। फिर अभी हम लोग आए हैं सबसे ऊपर, एक्चुअल में उससे भी ऊपर है बट वहाँ नहीं जा रहे, यहीं पे हम लोग ने एंड किए। और ये नज़ारा है, अभी बस से उतरे हम लोग, अभी जा रहे हैं हम लोग पार्किंग की तरफ और वहां से हम बाइक उठाएंगे। सबसे पहले जाएंगे रेस्टोरेंट, वहां पे कुछ खाएंगे, तब जान में जान आएगी, उसके बाद जाएंगे घर पे। अभी आ चुके हैं पार्किंग में, देखो ये रही मेरी बाइक। तो यहाँ पे 2 हेलमेट सेफ है हमारा। अभी निकलते हैं और सबसे पहला रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। सूफी को कितने जोर से भूख लगी? साढ़े 6 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं घर पे। कहीं पे भी हम लोग ने खाना नहीं खाया, हम लोग ने सीधा पार्सल लिया और सीधा घर पे लेके आ गए। तो यहाँ पे खाने में है नूडल्स, सुफियाना का फेवरेट, और यहाँ पे सिंपल एंड सोबर दाल खिचड़ी। तो आइए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। 6:30 बजे दोपहर का लंच, ये भी बढ़िया है। सो खाना हो गया, खाना दाल खिचड़ी एक नंबर है। सूफी चाइनीज कैसा लगा आपको नूडल्स? अभी हम लोग आए ऊपर, अभी थक गए तो अभी सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। जितना हो सके मैंने वो इस ब्लॉग को और अच्छा बनाने की कोशिश किया हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। क्या था ये टाइमिंग, एक नंबर।